हाँ सामकुम जी, आज हमारे ट्रिप का तीसरा दिन है और सुबह हम कोई 5:30 बजे आके लिफ्ट में जो डोली थी उसकी लाइन में लगे थे। ये इस तरफ से आए हम लोग और क्योंकि हम तीन जो हैं, अरसलान है, दानी और मैं हूँ, हम लोग पहले ही लाइन में लग गए थे, आ गए थे। अब बाकी जो चार लोग हैं हमारे वो पीछे हैं, उनके आने का वेट कर रहे हैं। वो लोग आज हैं, फिर हम आई करके ऊपर रंग के जाएंगे। सारे लोग आ गए हैं, हाइकिंग हमने अपनी स्टार्ट कर दी है। कोई कह रहा 40 मिनट लगेंगे, कोई कह रहा 15 मिनट लगेंगे, अब पता नहीं कितना टाइम लगता है। ये हम लोग जा रहे हैं ऊपर, तो अब देखते हैं कितना टाइम लगता है, हम आपको सही टाइम बताएंगे। हमारे ग्रुप का सबसे मोटा बंदा जो है वो सबसे पीछे रह गए। ये देखें असन साहब जो हैं बड़ी दूर रह गए बेचारे, चलना उनके लिए मुश्किल हो गया, हालात नासाजगार हो गए, सारे लोग थक चुके हैं। बस ये कैमरे में आपको सारे लोग नज़र आएंगे, असन साहब नज़र नहीं आ रहे होंगे क्योंकि वो हमें भी नज़र नहीं आ रहे, पीछे रह गए कहीं, थक गए जी सारे लोग, स्टे कर लिया हमें। ऐसे में क्या कहते हैं आप, ऊपर जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, ऊपर तो चले जाएंगे, सामान सारा मेरे में लाद रहे हो। लगता है कि हम ऊपर पहुंचने वाले हैं क्योंकि धूप जो है वो नजर आना शुरू हो गई है, सही करके दरख्तों पर रख दिए। और सारे लोग यही कह रहे हैं कि आप लोग ऊपर पहुंचेंगे, थकन जो आपकी वो सारी उतर जाएगी, अब ये ऊपर जाके पता चलेगा। 28 मिनट तकरीबन हमको लगे हैं बैठ के रेस्ट करके, फिर चलते रहे हैं। लेकिन रास्ते में लोगों ने हमें बताया था कि जब आप लोग ऊपर जाएंगे सारी थकन आपकी उतर जाएगी। बॉयज आगे चले गए हैं और यकीन माने जो जहाँ का व्यू है वो वर्थ करता है, और वाकई हमारी जो थकन है वो उतर गई सारी। अभी आपको भी दिखाते हैं। छोटे बच्चे हैं, स्कूल जा रहे हैं ये अरंकेल से, केल में इनका स्कूल है। और ये जो है यहाँ से जाएंगे अभी डोली में, फिर नीचे केल में इनका स्कूल है। लेकिन इनको ये है कि ये डोली में जाते हैं लेकिन इनका टिकट जो है वो फ्री है, और यहाँ से जा रहे हैं पढ़ने के लिए। जाते हो कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? फोर क्लास में। डोली पे जाओगे या पैदल? लिफ्ट से जाओगे। अच्छा, थकते नहीं हो? नहीं थकते? चलो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। ये छोटी वगैरह जो शॉप्स वगैरह यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मिलती हैं गेस्ट हाउस के साथ, यहाँ पे आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ले सकते हैं। बड़ी प्यारी बनी हुई है लकड़ी की, ये सब यहाँ पे लकड़ी के घर और सब नीलम में सारा कुछ ऐसे। अब आप ये देखें, ये यहाँ पे एक नया जो है घर बन रहा है, सारा इसका काम हो रहा है लकड़ी का। यहाँ पे ट्रक है खड़ा था, हमने सोचा कि यहाँ पे तो बंदे का पैदल चल के आना मुहाल है, यहाँ पे ट्रक कैसे है? तो फिर पता चला कि वह इन लोगों ने लिफ्ट पे जो है ना एक एक पार्ट इसका ला के तो यहाँ पे आके इसको असेंबल किया है, यहाँ पे इसको लोकल यूज़ के लिए। यहाँ पे अगर आप लोग आते हैं तो गेस्ट हाउस वगैरह भी हैं, जैसे ये भी हमारे पीछे गेस्ट हाउस है, और कैंप्स भी हैं। लेकिन आजकल जो है रश बहुत ज़्यादा था, हम इसलिए रात को यहाँ पर नहीं आए क्योंकि हमें कोई भी रूम वगैरह जो नहीं मिला था, अपने सोर्सेज जो थे हमारे उनसे हमने पता किया था। लेकिन यहाँ का जो व्यू है सारे में कहता तो पैसे उस व्यू के हैं,
अब मैं आए बहुत थके हुए थे, लेकिन यकीन माने सारी थकन उतर गई है। तो जी अरंकेल से वापसी का रास्ता हमने ले लिया और इस तरह ही हमारा ये जो ट्रिप है ये अख्तिताम पजीर हुआ और अब हम जो है वापसी के लिए निकल चुके हैं। यहाँ पे जो है जी अरंकेल है ये वाला, यहाँ से हम नीचे उतरे हैं सारा रास्ता पैदल, फिर ये रोड से चलते हुए आए हैं इस ब्रिज पे, ये ब्रिज क्रॉस किया और अब अगर आप देखें तो ये जो नीचे वाला रास्ता है ये सारा हम आए हैं कवर करके ये ऊपर अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे हम ये देख रहे थे कि ये जो इनकी कब्रें हैं, ये लोग कब्रें अपनी इस तरह की बनाते हैं कि ये लकड़ी का वो एक इनका है अपना एक तरीका, उससे वो जंगला सा बना के इसके ऊपर रख देते हैं। ये इनका एक छोटा सा कब्रिस्तान भी है। तो कुछ इस तरह से ये हमारा नीलम का सफ़र इख्तिताम पज़ीर हुआ और वापस हम अपने घर की तरफ निकल पड़े। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में, एक नए व्लॉग के साथ, एक नए सफ़र के साथ। दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।